कोटा का रुख कर लेते हैं। दरअसल यहां पर आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां पर भाजपा उपाध्यक्ष रहे पूर्व पार्षद जयप्रकाश शर्मा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रामपुरा बड़ी समाधि के पास एक समारोह में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने शर्मा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। शर्मा के साथ उनके दोनों बेटों विश्वजीत और अमर भी दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में आ चुके हैं। कांग्रेस में आने के बाद जयप्रकाश ने कोटा उत्तर के विधायक प्रहलाद गुंजल पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकार की लंका डालने के लिए ही उन्होंने बरसों तक पार्टी की सेवा की, लेकिन अब उसे छोड़ने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस का मैंने हमेशा विरोध किया। ऐसी कई परिस्थिति आई कि मुझे आज वो परिवार छोड़ के भाई साहब शांति धारीवाल जी का आशीर्वाद लेना पड़ा। दोस्तों, इस पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं, नए कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं, केवल अपना अहंकार। अहंकार इतना ज्यादा कि किसी को कोई चीज नहीं समझना। ये मेरा छोटा भाई जिसने हर चुनाव में मेरा पूरा आदर किया, लेकिन वोट नहीं दिलवाया। सम्मान बिल्कुल बड़े भाई के जैसा था, लेकिन वोट की जगह जाता था। लेकिन आज ये बच्चे अमर और विश्वजीत, इन्होंने शुरुआत करी और अपने पिताजी का मन बदला, अपने चाचा का मन बदला।